के परम पूज्य गुरुदेव नानक जी के 550वें जन्मोत्सव पर्व पर नगर बेटमा में बाबरी साहिब गुरुद्वारा से प्रातः संगत के साथ भजन कीर्तन का वाचन करते हुए मानव सेवा के सर्वोपरि है इसका संदेश देते हुए नगर की स्वच्छता करते हुए भव्य जुलूस निकाला, जिसका नगर के कई चढ़ावों पर पुष्प के माध्यम से स्वागत किया गया। इस जुलूस में सभी वर्ग के लोगों द्वारा शामिल होकर गुरुदेव के आदेशों को ग्रहण कर नगर शांति का संदेश दिया गया। जुलूस समापन के पश्चात भव्य लंगर का प्रारंभ किया गया, जो कि देर रात तक चला गया, जिसमें सभी वर्ग के समुदाय के लोगों द्वारा दूर दूर से आकर प्रसाद ग्रहण किया गया, साथ ही भोजन के साथ अपनी सेवाएं भी प्रदान की गई। आज 550वां पर्व है गुरुपुरब का, हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी का, और इंदौर में काफ़ी फेमस है ये बेटमा साहिब, काफ़ी सारी संगत है, काफ़ी सारे लोग आए हैं, काफ़ी अच्छा माहौल बना हुआ है। और यहाँ के स्थान विशेष के बारे में बताइए जहाँ आप आए हैं। हम लोग बेटमा साहिब आए हुए हैं, बेटमा साहिब इंदौर के आउटस्कर्ट्स में है, 20 किलोमीटर कुछ। बाकी यहाँ पे पहले गुरुद्वारा था, यहाँ पे गुरुद्वारा था, यहाँ पे स्नान का है। बाकी अब बहुत सारा कुछ अच्छा बनता जा रहा है, कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे पीछे और गुरुद्वारा बनता जा रहा है, बहुत सारी संगत आई आज तो। हर्षीन नारायण बेटमा गुरुद्वारे पर गुरु नानक देव जी 6 महीने 6 दिन यहाँ प्राचीन समय में रुके थे, जिनके आशीर्वाद से खारे पानी को जन जन को लाभ देने के लिए मिठास प्रदान की गई, जो वर्तमान तक चली आ रही है। देपालपुर से दीपक सेन की रिपोर्ट। साहब है यहाँ पर 500 साल पहले गुरु नानक देव जी महाराज यहाँ पर आए थे, और यहाँ पर गरीब किसान जो यहाँ बहुत लूटमार होती थी, गरीब किसान बहुत तंग थे, परेशान थे, उनको पता लगा गुरु नानक देव जी यहाँ पर आए बेटमा में, वो आके मत्था टेक के बेनती करने लगे, बाबा जी कृपा करो हम लोगों को बचाओ। सतगुरु जी ने कृपा करी, उन लोगों को बचाया, फिर कहने लगे बाबा जी होर कृपा करो, खारा पानी पीने लिए पानी नहीं। महाराज जी ने खारे पानी को मीठा पानी करा। आगे गुरुद्वारा हो रहे चरण पादुका गुरुद्वारा, वहाँ पर सतगुरु जी विश्राम करते थे, गुरुद्वारा बावली साहब यहाँ पर सत्संग करते थे। और 550 साल प्रकाश पर्व जो गुरु नानक देव जी महाराज जी का आ रहे हैं, ये पूरे वर्ल्ड में मनाया जा रहे हैं, यहाँ पर विशेष तौर से आज मनाया जा रहे है। सुबेरे अमृत वेले से सुबेरे 7 बजे से प्रभात फेरी, विशाल प्रभात फेरी निकली है। सो अभी पूरे नगर को घूमते फिरते शब्द कीर्तन गायन करते हुए सभी संगत गुरुद्वारे के यहाँ पर गुरुद्वारा बावली साहब में आके समाप्ति होगी। ये विशेष तौर से आज मना रहे हैं गुरपुरब। वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। के उपलक्ष्य में आज यहाँ पे नगर कीर्तन का आयोजन किया गया है, जिसके अंदर सिख समाज के अलावा आरएसएस के बंधुओं ने हमारा साथ दिया, और बहुत से लोगों ने साथ मिलके यहाँ के बेटमा की साथ संगत ने मिलके हमारे साथ नगर कीर्तन में हिस्सा लिया है। और उसके उपलक्ष्य में हम सब ने यहाँ पे नगर कीर्तन का आयोजन किया, जिस नगर कीर्तन में हमने पूरे बेटमा साहब गाँव के अंदर से निकलते हुए बौड़ी साहब से स्टार्ट करते हुए चरण पादुका साहब से होते हुए वापिस बौड़ी साहब पर समाप्ति की गई है। ये गुरु नानक देव जी के 500 प्रकाश उपलक्ष्य में सब कुछ किया गया है।